हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का यूनिट 2 जो चल रहा था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका आज क्लास नंबर 4 है। इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक और इसके पहले की 3 क्लासेस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बस आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, वीडियोज़ को वॉच करते जाइए। सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है तो आप जा कर के देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चे भी ये वीडियोज़ को देख सकें। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में है। पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, तो उसमें मैंने आप लोगों को केसी वगैरह बताया हुआ है कि केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ डेफिनेशन इसकी आ जाती हैं, कुछ इसके यूनिट्स के बारे में देखेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसमें केपी भी यूज़ होता है। केपी जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सिर्फ मैंने यही बताया था आप लोगों को K1 अपॉन K2 जो होता है, K1 K2 क्या होता था, रेट कांस्टेंट होता था, और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये इसमें जो केसी होता है ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक, तो इसमें इसका फॉर्मूला पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर इसकी यूनिट भी देखेंगे। पहले फॉर्मूला ये देख लेते हैं, केसी को हम क्या कहते थे, K1 अपॉन K2 को ही तो हम लोग केसी कहते थे। ठीक, तो K1 और K2 क्या होते थे, रेट कांस्टेंट होते थे ना। तो रेट कांस्टेंट कब हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, या कह सकते हो रेट ऑफ रेशियो कह सकते हो। इसमें लिखेंगे K1 अपॉन K2 में द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट का ही तो रेशियो है, K1 अपॉन K2 द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेशियो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में भी होता है। तो इसको लिख लेंगे इसमें एक पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी से डिनोट करते हैं। ये होता है K1 अपॉन K2। K1 क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी पिछले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। K2 क्या होता था, रेट फॉरवर्ड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, केसी से डिनोट करते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में भी होता है। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन की ही बात हो रही है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ही तो कंसंट्रेशन ही तो लिखते थे इसमें, तो होती थी कंसंट्रेशन की यूनिट होती थी मोल पर लीटर। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एन भी ऊपर इसकी पावर में हो जाएगा। डेल्टा एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो होता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी जो कि 2022 में आया हुआ है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी ये देख लीजिए, और इसको हम लोग केसी इज इक्वल टू ये कंसेंट्रेशन
की पावर डेल्टा एन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी यूनिट याद रखिएगा, और के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन की पावर एन और के सी इज इक्वल टू के वन बाई के टू, और इसकी मेन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे एग्जाम के टाइम पे वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, और बाकी जो नोट्स बना रहे हैं आप सिंपल से तरीका है, आप जैसे आज वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी पेन साथ लेके बैठा करिए, ताकि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ समझाने की, तो वही चीज़ आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, बाकी तो मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये यूनिट कवर हो जाने के बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, जिसकी मैंने यूनिट वन पूरा कवर करा दिया है, फिर यूनिट टू कवर करा दी, जैसे सारी यूनिट मैं जल्दी से जल्दी कवर करा दूँगी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसी के आंसर्स को भी प्रोवाइड करूँगी। लेकिन इसमें जो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला है, इसमें मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को निकालना सिखा दूँ, ताकि जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे बनते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 2020-22 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको मैं आप लोगों को करा देती हूँ। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं उसको, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस तरह करा देती हूँ, तब आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन था फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पूरा लिखवाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि हमें के की वैल्यू निकालना है, और इसमें दूसरी तरीके से के की वैल्यू निकालना है। एन टू दिया था, 3H2 दिया था, और यहाँ से 2NH3 था, जिसकी K की वैल्यू था, मतलब K1 जो हमारा है वो K1 मत मानी, K की वैल्यू इसमें दी गई थी। K1 K2 तो हमने पढ़ा है ना, लेकिन इसमें K की वैल्यू मतलब इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो 100 था। अब ये फिर से डिकम्पोज हो करके दिया गया था, ये दिया था हाफ N2 प्लस 3/2 H2, इसमें K डैश की वैल्यू पूछा गया था, मतलब K1 इसमें दिया गया है, K2 की वैल्यू हमें निकालना था, सिंपल फॉर्म में समझिए। बाकी जो इसकी लैंग्वेज थी, फाइंड आउट द रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक, तो बस मेन कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग कैसे निकालते हैं, जैसे एक रेट कांस्टेंट दिया तो दूसरा रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले रेट कांस्टेंट इसका लिखने का तरीका क्या होता है, हम रेट कांस्टेंट लिखने का तरीका जो पहले वाले रिएक्शन के लिए हम बात करें, के की बात करें, तो ये क्या होता था, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, पहले हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, मतलब NH3, और इसका जो होता था आगे नंबर ऑफ मोल्स रहता था वो पावर में चला जाता था। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, रिएक्टेंट लिखते थे, रिएक्टेंट यहाँ पर कितना है, N2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बा आगे कितने हैं, एक है तो एक ही जाएगा। फिर उसके बाद H2 है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 है, तो ये हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसके लिए हम निकाल लेते हैं K की वैल्यू, ये K डैश है, ठीक, ये K डैश है, तो ये K डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर क्या है, इधर है N2 की पावर हाफ है, ठीक, इधर है H2 की पावर 3/2 है, और नीचे क्या है, NH3 है, ये प्रोडक्ट साइड NH3 ही तो है, ठीक, इसकी पावर 1 है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबसे पहले प्रोडक्ट, सबसे पहले ये जो रेट कांस्टेंट है पहले वाले रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लिखेंगे, उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लिखेंगे, उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर दूसरा रिएक्शन दी गई है तो सेम तरीके से उसका भी कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए क्या सिमिलैरिटी है, कैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये हाफ में है और ये 3/2 है, अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ठीक, स्क्वायरिंग लिखेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड का स्क्वायर कर देंगे तो ये K डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये N2 का 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, ये H2 है कंटेनर, क्लोज कंटेनर में ही रखिएगा, 3/2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, NH3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, के डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा N2 की पावर 1, ऐसे ही लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा H2 की पावर 3, और नीचे हो जाएगा NH3 की पावर 2, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए, कुछ सिमिलर दिख रहा है, ठीक, तो कुछ सिमिलर दिख रहा है तो एक साथ लिख लेते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कुछ हद तक बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा के और के डैश का होल स्क्वायर था के पहला वाला इक्वेशन और ये थर्ड वाला इक्वेशन के डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमारे पास के क्या दिया गया है, एन एस थ्री का होल स्क्वायर, एन टू का वन और एच टू की पावर थ्री। तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा एन एस थ्री की पावर टू अपॉन एन टू और एच टू की पावर थ्री और मल्टीप्लीकेशन का साइन और के टू की इसकी लिख लेते हैं के डैश स्क्वायर की, ये हो जाएगा एन टू एच टू होल क्यूब और ये हो जाएगा एन एस थ्री टू। अब इसमें से देखिए क्या क्या कट रहा है, ये एन एस थ्री का होल स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है एन एस थ्री का होल स्क्वायर से, ठीक, और ये ऊपर वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से सिर्फ वन ही तो बचा, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के और के डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। के डैश का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वन बाई के हो जाएगा और के डैश निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा वन बाई के, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वन बाई के को अंडर रूट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई के की पावर वन बाई टू भी लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट लगा देंगे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें के डैश निकालना है, के डैश इज इक्वल टू के की पावर वन बाई टू दिया गया है, ठीक, के डैश इज इक्वल टू के की पावर वन बाई टू और के की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, देखिए के की वैल्यू क्या दी गई है हंड्रेड, तो हंड्रेड की पावर वन बाई टू, हंड्रेड का अंडर रूट लेंगे मतलब के डैश इज इक्वल टू वन अपॉन, ऊपर वन रहेगा नीचे हंड्रेड रहेगा और ये अंडर रूट में रहेगा, तो वन का हंड्रेड का अंडर रूट कितना होता है टेन होता है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे वन बाई टेन कितना जीरो पॉइंट वन होता है, मतलब के डैश की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट वन। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि हमारे पास एक रेट कांस्टेंट दिया गया दूसरा निकालना है तो पहली इक्वेशन निकालेंगे फिर दूसरा इक्वेशन का के की वैल्यू निकालेंगे, अगर कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो फर्दर इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर वन के जैसा बनाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें कट रहा था काट दिया, फिर उसके बाद के डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, के डैश की वैल्यू वन बाई के की पावर हाफ आ रही थी, ठीक, तो मैंने इसको यही किया और के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को करा देती हूँ और बाकी इससे रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो बाकी मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो इसमें एक और टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, जिसे हम केपी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी देख लेते हैं फिर केपी और केसी में रिलेशन भी देख लेंगे। तो इसमें डालेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी ही है केपी, बस मैं जो बोल रही हूँ आप लोग उसी हिसाब से लिखते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। केपी क्या होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है पार्शियल प्रेशर पे, जो गैसियस स्टेट होता है जिसमें पार्शियल प्रेशर गैस का निकल जाता है वो एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक्टिव मास की जगह जहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे तो वहाँ पर प्रेशर का यूज़ करेंगे। हम लोग अभी तक केसी कंसेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक, तो यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसका केपी यूज़ करेंगे। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया N1 मोल्स A का ले लिया, N2 मोल्स B का ले लिया, तो जहाँ पर KC हमने यूज़ किया था वहाँ पर बस KP लिख देना है और कुछ नहीं करना है, और ये N4 और ये D हो जाएगा। तो KP निकालने के लिए क्या होता है, बस यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो यूज़ कर रहे हैं बस P कर देंगे, तो इसमें क्या होता है C का जो पार्शियल प्रेशर होता है तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर फॉर रिएक्टेंट का, इसमें जो प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोडक्ट का, तो पार्शियल प्रेशर फॉर C के लिए और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N3 है, इसके लिए AP D के लिए N4 है अपॉन ये क्या है PA की पावर N1 है और यहाँ पर PB की पावर N2 है, जो हमने अभी PC और वगैरह लिखा तो इसको PC को हम लोग लिखते हैं पार्शियल प्रेशर फॉर C और PD को लिखेंगे पार्शियल प्रेशर फॉर D और वैसे ही PA को लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉर A पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक।
तो सिंपल सा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, बस इतना समझिए कि जहाँ पर हम के सी यूज़ करते थे वहाँ पर के पी यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट कंसनट्रेशन जिसे यहाँ पर लिखते थे कि सी की पावर एन की पावर थ्री हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में पी सी लिखेंगे, ये नीचे ही रहेगा, और ये जो आगे इसके मोल्स दिए गए हैं इसको ऊपर कर देंगे। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, रिलेशन बताना है के पी और के सी में, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आ भी सकता है। ठीक, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, के पी और के सी के बीच में हमें रिलेशन बताना है। हमने देखा था के सी का क्या फॉर्मूला होता है, के सी का फॉर्मूला था सी की पावर एन क्यूब अपॉन डी की पावर एन फोर अपॉन ए एन वन और बी एन टू। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं के सी का, और के पी अभी हमने देखा के पी इज इक्वल टू पी सी एन थ्री पी डी एन फोर अपॉन पी एन ए पी वी एन टू, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। और हमने क्लास ट्वेल्थ में क्लास इलेवेंथ में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि उसी से हम लोगों को प्रेशर की वैल्यू मिलने वाली है, और हम जानते हैं एक्टिव मास के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी से हम लोग के पी और के सी के बीच में रिलेशन भी निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। हम जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होते पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर निकालते हैं यहाँ से, प्रेशर क्या हो जाएगा एन बाई वी और आर टी, और हमने अभी देखा था जो एक्टिव मास होता था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैसेस सॉल्यूशन ही तो होता था, एन बाई वी ही तो होता था, तो इसकी जगह पे हम लोग एन बाई वी की जगह पे लिख सकते हैं एक्टिव मास, और ये हो जाएगा आर टी। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, बस n बाई वी की जगह पे एक्टिव मास लिख दिया। अब हमें जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में दिया गया है, तो ए के लिए पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे फॉर ए, ए के लिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आता है वो ए मतलब उसका एक्टिव मास और उसका आर टी। ठीक, और हम B के लिए निकालेंगे, फॉर B के लिए भी निकलेगा, तो पी वी इज इक्वल टू B एक्टिव मास इसका और ये आर टी। C के लिए निकालेंगे तो ये C हो जाएगा और ये आर टी हो जाएगा। D के लिए निकालेंगे तो ये D हो जाएगा और ये आर टी हो जाएगा। ये क्या निकालना है, हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमने निकाल रहे हैं, तभी तो हम के पी और के सी के बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक, इतना समझ गए। तो अब जो इक्वेशन नंबर टू में हमने दिया गया था जहाँ पर ये पी सी पी डी पी ए और पी बी है, तो इसकी जगह पे अभी जो हमने वैल्यू निकाली है ए आर टी सी आर टी बी आर टी डी आर टी, ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, तो के पी इज इक्वल टू क्या था, सबसे पहले पी सी था, तो सी की जगह पे क्या हो जाएगा सी आर टी, और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी याद रखिएगा, ये नहीं कि इसमें देखिए ये पी सी है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर कितने हैं एन थ्री है, तो इसकी पावर में भी सी आर टी है, तो सी की पावर में भी एन थ्री जाएगा और आर टी के पावर में भी एन थ्री जाएगा, फिर मल्टीप्लाई डी और आर टी, यहाँ पर एन फोर एन फोर, नीचे क्या आएगा ए आर टी, फिर मल्टीप्लाई में बी आर टी, ये एन वन एन वन और ये एन टू होता था और ये भी एन टू होता था। ठीक, हमने क्या किया सेकेंड वाली इक्वेशन में ये सारी वैल्यू को पुट कर दी, फिर इसके बाद हम के पी निकाल लेते हैं, कंसेंट्रेशन वाला एक साइड कर लेते हैं, एक साइड सी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, और एक साइड ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यहाँ से बचा आर टी की पावर एन थ्री और आर टी की पावर एन फोर, और नीचे बचा आर टी की पावर एन वन आर टी की पावर एन टू। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा के पी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए और ये बी हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, मतलब आर टी की जो पावर हो जाएगी वो एन थ्री प्लस एन फोर हो जाएगी, नीचे हो जाएगा आर टी की पावर एन वन प्लस एन टू हो जाएगी। ठीक, जहाँ बेस सेम है पावर को ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के पी, और इधर देखिए ये कुछ के सी की तरह मिल रहा है ना कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये देखिए के सी की वैल्यू क्या थी सी की पावर एन थ्री डी की पावर एन फोर ए की पावर एन वन और बी की पावर एन टू, कुछ रिएक्शन नंबर वन से मिल रहा है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं
ये भी तो रहेगा इसमें, ये n3 भी तो रहेगा, ये n3 हो गया और ये n4 हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा n3, n4, n1 और n2। ये kc से मिल रहा है तो ये kc हो जाएगा और इसकी जगह पे rt की पावर, और ये क्या है n3 प्लस n4, और नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक। तो ये लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने ये kc की वैल्यू को पुट कर दी, ठीक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं kp इज इक्वल टू kc, और जहाँ पर चेंज की बात होती है मतलब n2 में से n1 माइनस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते थे ना कि n2 में से अगर n1 माइनस करना है तो उसको हम डेल्टा n भी लिख सकते थे, जो चेंज होता है उसको डेल्टा n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे rt, इसकी जगह आर टी लिख देंगे और ऊपर डेल्टा एन लिख देंगे, ठीक। और डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, डेल्टा एन इज इक्वल टू एन थ्री प्लस एन फोर माइनस एन वन प्लस एन टू। तो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया है क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वाला बता दिया, केपी वाला बता दिया जो कि पार्शियल प्रेशर के टर्म में था, तो ये पूरा हो गया है कंप्लीट। जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, गिफ्ट फ्री एनर्जी और भी इसके बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक। तो आप एकदम स्टार्टिंग से वीडियो देखते जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे देख लेते हैं फिर उसके बाद वीडियो मिस कर देते हैं, देखते ही नहीं, क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं, तो उनको समझ में कैसे आएगा। पूरा लेक्चर एकदम सीरीज वाइज देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर के, और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी ज़रूर रिकमेंड कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सेशन भी स्टार्ट हो गए हैं तो वो भी ज्वाइन कर ले। मैं आप लोगों को बेस्ट पूरी गाइडेंस दूंगी, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।